أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمارا ٹاپک ہے کٹلین تاپ سرکولر سٹرپس ٹھیک ہے ہم کٹلین پائن کریں گے سرکولر سٹرپس کی سرکولر سٹرپس جس کی ریڈیس ہے 300 mm² اور جو سٹرپ جس سٹیل سے بنا اس کا ڈائی ہے 8 mm اور کنکریٹ کور ہے 40 mm ठीक है। तो कंटेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये जो हमारे पास कंटेंट की फार्मूला है, हम क्या करेंगे, ये सारे सर्कुलर लेंथ यानी स्टेप्स की पाइन करेंगे प्लस होक्स, तो इससे हमारे पास बन जाता है कंटेंट यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस प्लस होक्स, इससे हमारे पास बन जाता है कंटेंट। ठीक है, तो फिर पहले हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस यानी स्टेप्स की सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो रेडियस है इससे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये कवर माइनस करेंगे। ठीक है, ये कंक्रीट कवर है 40 mm है, और ये जिस स्टील से स्टेप्स बनी है इसका मीन लेंगे यानी सेंटर टू सेंटर हम कटलेन पाइन करेंगे। तो इस 40 से हम प्लस करेंगे स्टील की जो मीन है यानी 8 mm है, तो इसका आधा 4 होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास बन जाता है 260। ठीक है, ये हमारे पास आया। तो हमारे पास सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, पाई डी 2 φ r यानी 260, तो ये है एंटर 2 × π 3.1415 × r यानी 260। ठीक है, तो हम आज करेंगे 2 × 3.1415 × 260। ओके, तो इससे हमारे पास आता है 1632.8। ठीक है, ये हमारे पास आया सरकमफेरेंस। अब हम होक्स पाइन करेंगे। ठीक है, तो होक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 10d यानी इक्वल 10d। ठीक है, 10 × d यानी 8 mm मल्टीप्लाई बाय होक्स, कितने हैं, 2 होक्स है, तो इससे हमारे पास आता है 160। ठीक है, अब कटलेन के लिए हमारे पास फार्मूला वही है, कटलेन के लिए हमारे पास फार्मूला वही है, सरकमफेरेंस प्लस होक्स। तो हमारे पास सरकमफेरेंस कितना आया, 1632.8 + 160, ये 160 है, 1000 नहीं। ठीक है, तो इससे हमारे पास आया 1792.8 mm। ठीक है, अगर हम इसको 1000 में तकसीम करें तो इससे हमारे पास बन जाए 1.97792 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास आया कट लेंथ इन मीटर में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो बाहर से बाहर आए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में खुदा हाफिज़।